नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी सहयोगी दलों को साधने में जुटी है। शनिवार को दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान चिराग ने नीतीश कुमार को लेकर अपनी राय रखी। लोजपा रामविलास के सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि बिहार में एनडीए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उसी के आधार पर सरकार चले। चिराग सिर्फ नीतीश कुमार के साथ सात निश्चय के आधार पर सरकार चलाए जाने के पक्ष में नहीं है। चिराग ने हमेशा सात निश्चय में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनका मानना है कि यह केवल जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। चिराग की मांग है कि उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी एनडीए सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। चिराग ने बैठक में स्पष्ट किया है कि उनका नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन वो नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। अगर नीतीश कुमार जिद पर नहीं अड़े तो एक प्लेटफॉर्म पर आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग यह भी चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद भी उनके कोटे की सीटों की संख्या कम न हो। आरजेडी के साथ जाने की संभावना से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ इनकार कर दिया है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी जिसको लाना है लाए, लेकिन एलजेपी रामविलास सीटों से समझौता नहीं करेगी। अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो पार्टी फिर 2020 विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी के साथ और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, यानी 17 जेडीयू कोटे की सीट और 6 एलजेपी रामविलास की सीट, यानी 23 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों ने आरजेडी के साथ जाने की किसी तरह की संभावना को नकारते हुए कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान का मानना है कि वो बहुत धोखा खा चुके हैं, अब और नहीं खाएंगे। चूंकि बिहार बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए वो सीटों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एलजेपी रामविलास की सीटों से कॉम्प्रोमाइज करेगी तो हमारे पास कोई सस्पेंस नहीं है। इसलिए अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, ना कि चिराग पासवान। अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपने सहयोगी दल हम के नेता जीतन राम मांझी को समझाने मनाने में पहुंचे हैं। हालांकि मांझी ने साफ किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की मीटिंग के बाद नई सरकार में दो मंत्री पद की मांग कर अपनी अहमियत याद दिलाई और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। जीतन राम मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि बिहार में बाहर है, बिन मांझी सब बेकार है। हम पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने नई सरकार में पार्टी के लिए कम से कम दो मंत्री पद की मांग की है। उनका कहना है कि हम पार्टी गरीब गुरबों की बात करती है, ऐसे में हमको बेहतर सेवा देने के लिए कम से कम पार्टी की तरफ से दो मंत्री पद जरूर मिलनी चाहिए। यह हमारी शर्त नहीं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मांग है। वैसे हम बगैर किसी पद के भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी लोकसभा की 6 सीटों पर दावा ठोकने की सोच रहे हैं, तो वही राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। तो वहीं बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सहयोगी दलों के मन में नीतीश कुमार को लेकर जो संशय है उसको दूर करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। आरएलजेपी सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा नई सरकार में अपने लिए मंत्री पद और लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुशवाहा की इस मांग पर पेंच फंस सकता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि कुशवाहा को मनाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। हालांकि चुनौती राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस भी पेश कर रहे हैं, जिनके कोटे से अभी 5 सांसद हैं और पार्टी कम से कम इतनी सीटों पर तो दावा पेश करेगी। नई सरकार में सभी सहयोगी दलों को उनकी शर्तों के आधार पर सीट बंटवारा एनडीए के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।